नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम रीडिंग करेंगे, जो पिकअप पाइल करेंगे, उसमें टू पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन इज दिस डेक, पाइल नंबर टू इज दिस डेक। आप जो हैं ये डेक चूज कर सकते हैं। रीडिंग जो है ये डेक के साथ होगी या ये डेक के साथ होगी, आपको जो पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं। ये रीडिंग में जो है हम आपके रिलेशनशिप की जो सारी सच्चाई है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये इंसान आपको देखते कैसे हैं, फील कैसे कर सकते हैं, इनके आपके लिए इरादे क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं, खुद कैसे बिहेव करते हैं, क्या छुपाते हैं, 10 सवालों में जो हैं हम सब ये फाइंड आउट करेंगे। ये रीडिंग जो है मैंने एक पावर ऑफ लव करके है, टैरो रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छा टैरो रीडिंग करते हैं इंग्लिश में, मुझे काफ़ी उनसे सीखने को मिलता है। उन्होंने एक बार ये किया था तो ये क्रेडिट जो है मैं उनको देती हूँ। तो पाइल नंबर वन इज़ दिस एंड पाइल नंबर टू इज़ दिस। आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग ऑलराइट, दिस इज़ नाउ पाइल नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। रीडिंग में जाने से पहले एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी बॉदर नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। हर किसी का ओपिनियन होता है, हर किसी का चीज़ें देखने का और समझने का अलग नज़रिया होता है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आई विल टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड थैंक यू कि आप मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले तो 40,000 सब्सक्राइबर्स ऑन सर्कल ऑफ लाइफ टैरो, आई एम सो ग्रेटफुल, तहे दिल से सब लोगों को शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। एक साल हो गया है जो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँ। आसान नहीं है बिकॉज़ मेरा जॉब अलग है, ये टैरो मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मेरा अलग जॉब है। तो मेरा जॉब है, बच्चे हैं, घर हैं, आप लोग हैं, फिर मैं टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ। तो अच्छा लगता है आप लोगों से YouTube पे कनेक्ट होना, आप लोगों के लिए समय निकाल के वीडियोस बनाना, मेरा टेबल आप लोगों के लिए डेकोरेट करना, नए नए डेक्स लेना रीडिंग के लिए, ताकि आपको देखने में जो है मज़ा आए। और ये मैं इसीलिए करती हूँ बिकॉज आप लोगों का प्यार जो है वो मुझे इनकरेज करता है। सो तहे दिल से शुक्रिया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि 4 या 5 ऐसे कमेंट्स आए हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि वीडियोस जो हैं मेरी उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत है, इसीलिए चैनल बकवास है और वो लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे मुझे बुरा नहीं लगता है बिकॉज़ ये उन लोगों की छोटी दिमाग है, और ऐसे लोग मुझे मेरे चैनल पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी और ऐसे लोग चाहिए भी नहीं है। बिकॉज जिस ढंग से मैं रीडिंग करती हूँ, मैं कमर्शियल रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं टाइम लगा के जिस ढंग से सही रीडिंग होनी चाहिए है मैं वैसी ही रीडिंग करती हूँ। और जिन लोगों को इसकी अहमियत पता है वो लोग मेरे से जुड़े हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सैटिस्फाइड। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर एड्स जो वीडियोज़ में आते हैं वो चैनल मोनेटाइज होने के बाद आते हैं, इसमें जो है हम बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। इतना कमा लेती हूँ मैं कि आप लोगों के लिए नया डेक खरीद सकूँ या डेकोरेशन करूँ, कैंडल्स रोज जो है रीडिंग में बर्न कर सकूँ। वट एवर आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, इट हेल्प्स मी टू ग्रो माई चैनल आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में एड से अगर तकलीफ होती है तो यू कैन अनसब्सक्राइब। और प्रीमियम यूट्यूब होता है, एक YouTube का फॉर्मेट है जहाँ पे आप कुछ पैसे दे के जो है एड फ्री वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग मी कि ठीक है आपके एड्स अगर हम देखेंगे तो उससे आपका थोड़ा भला हो सकता है बिकॉज आप हमारे लिए रीडिंग्स आती हैं, या ये कहना कि चैनल बकवास है बिकॉज वीडियोज़ में बहुत एड्स हैं, वो इट इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। एंड यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ प्रीमियम यूट्यूब स्कीम। तो मेरे वीडियोज़ जो हैं ऐसे ही होंगे, एड्स यूट्यूब का एक फॉर्मेट है तो जितने एड्स यूट्यूब डालेगी उतने एड्स मैं उनको अलाउ करूँगी डालने के लिए।
यू कैन ऑलवेज स्किप द एड, एड्स को जो है आप स्किप कर सकते हैं। सोचने कमेंट्स डालने के पहले थोड़ा सोचें, मैं सिर्फ आपको इतना ही यू नो आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ थिंक बिफोर कमेंटिंग, बिकॉज इट्स नॉट इन गुड टेस्ट टू कॉल समबडीज एफर्ट, जो मेरे एफर्ट्स हैं, जो मेरी मेहनत है, उसको बकवास बोलना और चैनल को बकवास बोलना बिकॉज एड्स हैं, तो वो गलत बात है। एड से अगर आपको तकलीफ होती है तो आप पेड यूट्यूब चैनल लें ना, कुछ पैसे दें और आपको एड फ्री यूट्यूब वीडियोज़ आपको दिखेंगी। एनी वे, मैं ये कहना चाहती थी, थोड़ा सा मन हल्का हो गया, ठीक है। सो फॉर पाइल नंबर वन, आइए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। अगेन, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ नहीं। अगर आपको अपने पर्सनल इश्यूज के लिए गाइडेंस चाहिए है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर वन। ऑलराइट, ठीक है, वेरी क्विकली देखते हैं। ये इंसान जो हैं, ये रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं राइट नाउ, ये इंसान ये रिलेशनशिप को राइट नाउ कैसे देख रहे हैं, हाउ इज दिस पर्सन सीइंग द रिलेशनशिप। जो ये बिहेव कर रहे हैं रिलेशनशिप में, क्यों कर रहे हैं। नाइस, राइट नाउ रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, उनकी फीलिंग्स राइट नाउ क्या हैं, आपसे छुपा क्या रहे हैं, इनके आपको लेके प्लान्स या इरादे क्या हैं। नाइस, राइट नाउ ये रिलेशनशिप में जो हैं, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये इंसान ये रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, ये रिलेशनशिप को लेके इंसान की उम्मीदें क्या हैं। ओके, एंड आउटकम निकालते वक्त मुझे डर लगता है, आई होप आउटकम इज़ गुड। ये नियर फ्यूचर आउटकम, फाइनल आउटकम नहीं, अगले 10 दिन नियर फ्यूचर आउटकम जो है ये रिलेशनशिप का क्या होगा। यहाँ पे जो है मैं चाहूँगी कि आप एक टाइम फ्रेम जो है वो टाइम फ्रेम आप सोचें और जो है हम नियर फ्यूचर आउटकम जो है वो देखेंगे। येस, वेरी नाइस रीडिंग। ऑल राइट, पाइल नंबर वन, दिस इज़ अ वेरी नाइस रीडिंग, ठीक है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी अनबन राइट नाउ रिलेशनशिप में हो रही है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो हैं आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेके मैंने दिन रात रात दिन जो हैं आपके बारे में सोच रहे हैं। चाह के भी जो है ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। ओके, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, मैं वो फाइंड आउट करना चाहती हूँ। एक मिनट, तो रीडिंग में क्लैरिटी आएगी। व्हाट इज़ द करंट एनर्जीज ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ द रिलेशनशिप। ओए, ओके, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद ऑन अ ब्रेक हैं या किसी से प्यार करते हैं लेकिन प्यार जो है वो इजहार नहीं कर सकते हैं। मैच्योर रिलेशनशिप है, यंग लव नहीं है। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे रिलेशनशिप में जो है मैच्योरिटी की ज़रूरत है और चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जो हैं ग्रो हो रही हैं आप में। एंड आई फील दैट स्लो एंड स्टडी विल डेफिनेटली विन द रेस, जिस ढंग से जो हैं यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। क्लैरिफाई करती हूँ, तब तक जो है साइंस बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, वाटर साइन है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस काफ़ी ज़्यादा और लियो है यहाँ पे, ठीक है। कैन वी क्लैरिफाई द डेविल,
ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को कैसे देख रहा है, आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, अपने मन की बात जो है एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं। ये इंसान जो है शायद आपके लिए इनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि ये फीलिंग्स से जो है थोड़ा सा डर गए हैं, बिकॉज अनस्पोकन लव है यहाँ पे। एंड देन एट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड यू हैव द मून साइन। तो ये इंसान जो है आपको जो है कम्युनिकेट अपनी फीलिंग्स जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है इतना ऑब्सेस्ड है आपसे, यह रिलेशनशिप को लेके इतना स्ट्रांगली फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है इनको डरा देती है। ये इंसान जो है आपसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये इंसान व्हाट मूव्स हिम इन दिस रिलेशनशिप, आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं बिकॉज़ ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे जो है प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं जो है आपसे इतना प्यार करता हूँ। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आप भी ये इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन इजहार नहीं हुआ है। या आगे जाके रीडिंग में देखते हैं कि मे बी ऐसी सिचुएशन में है आप कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। ये इंसान जो है आपसे अटेंशन चाहता है कि आप जो है इनका प्यार एक्सेप्ट करें, और डरते हैं कि आप इनके प्यार को मना ना करें। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ने शायद आपको प्रपोज किया, अपनी मन की बात बताई है और आपने जो है मना कर दिया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट की यहाँ पे एनर्जी है, और चाहते हैं कि आप जो है इनको अटेंशन दें और इनकी जो मन की बात है ये आप समझें और आप जो है इनको एक्सेप्ट करें। What is happening in the relationship right now? ये इंसान जो है कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पार्टनरशिप में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे साइलेंस है। या तो कोई इंसान एक इंसान कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे इंसान ने जो है या तो ब्लॉक कर दिया है, ये ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर के बारे में डरते हैं, अपने प्यार के बारे में डरते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आगे जाके जो है चीज़ें कैसी होंगी। राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में आई थिंक अनरिक्वाइटेड लव का जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, इन द सेंस कि आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एक कोऑपरेशन हो, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन आप जो है अपनी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। राइट नाउ जो सिचुएशन में आप हैं वहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, या आप जो है थोड़ा सा स्टैग्नेटेड फील कर रहे हैं। ये इंसान जो है व्हाट डज ही फील फॉर यू, ओके, ये इंसान जो है ये इंसान ने इन द पास्ट जो है आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप किया होगा, आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाया होगा, फिर अपनी एनर्जीज वापस ले ली होगी। ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है आपकी नज़र में कहीं ना कहीं गिर गए हैं, कि इन्होंने जो है आपको डिसअपॉइंट किया है। इन्होंने जो है जिस ढंग से आप जो इनको अटेंशन देते थे, या जिस ढंग से आप इनको फील कराते थे कि आप जो हैं यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, या आप जो हैं कभी कुछ गलत नहीं कर पाते, लेकिन ये इंसान जो है खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। मे बी एक ऐसी शादी में है जिसमें वो ट्रैप्ड है और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इंसान जो है और ये आपको शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ एडिक्शंस भी हो सकती हैं। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जो इन्होंने खोया था अपनी गलतियों से, वो गलतियों को मेकअप करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपके नज़रों में जो है फिर से जो आपके लिए आप को जो इनके लिए फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स को ये फिर से लाना चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। कैंसर भी हो सकते हैं यहाँ पे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। इंसान जो है काफ़ी मायूस है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, हर्ट हैं बहुत कि इनके एक्शंस ने जो है आपको हर्ट किया है, और वो उसके लिए मेकअप करना चाहते हैं।
व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू, आपसे जो है ये छुपा क्या रहे हैं. यस, ये इंसान यही छुपा रहे हैं राइट नाउ कि ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं. ये इंसान जो है आपके साथ काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको माफ़ी देना चाहते हैं, आपके साथ आपकी तरफ फिर से जो है बोलते हैं ना कि एक ट्रूस करना चाहते हैं कि ठीक है मेरे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी, या मैं फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम था एंड कैन वी वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप अगेन. तो हिम्मत जुटा रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं कि एक प्यार का ऑफर जो है आपको सॉरी कहें और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग जो है आपके साथ वापस करें. ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते होंगे और सच में अपनी बिहेवियर से जो है काफ़ी हर्ट हैं, बता नहीं पा रहे हैं, अनस्पोकन लव है कि इनको जो है दुख कितना हो रहा है. इनके इरादे क्या हैं आपके लिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और इनमें हिम्मत होती और ये अपने मन का करते तो ये जो है आपको क्या देते. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. ये इंसान जो है आपको दुनिया की सब खुशी देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक लेगेसी बनाना चाहते हैं, आप फिर आपके साथ बच्चे, फिर आपके साथ यू नो ग्रैंड चिल्ड्रेन. दिस पर्सन वॉन्ट्स एवरी थिंग विद यू. नंबर 10 इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन. ये जो है बस इनका जो प्यार है आपके यहाँ पर आके रुक जाएगा, इन द सेंस कि जब आप इनको मिलेंगे तो जो है इनकी लाइफ पूरी हो जाएगी. लेकिन इनको पता है कि या तो आपके पास चॉइसेस हैं या इनके पास चॉइसेस हैं, या बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हैं ये ऑफर जो है आपको कैसे देंगे. दिस पर्सन इज इन लव विद यू एंड इनको जो है आपके साथ एक कंप्लीट लाइफ चाहिए है, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए है और एक फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन और स्टेबिलिटी भी चाहिए है आपके साथ. ये रिलेशनशिप में जो है कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं ये रिलेशनशिप में, और नहीं ये आपका कार्ड था, आप ये रिलेशनशिप में कैसे बिहेव कर रहे हैं और वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, आप ये रिलेशनशिप में कैसे बिहेव कर रहे हैं. जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे लीब्रा का एंड अगेन टू ऑफ कप्स. यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. आप जो है चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है जो सही है वो होना चाहिए है. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान थोड़े से फट्टू हैं, डरपोक हैं. प्यार आपको भी पता है कि प्यार आपसे करते हैं लेकिन जो है कह नहीं पा रहे हैं. तो आप ये रिलेशनशिप में जो राइट है वो चाहते हैं. अगर ये इंसान जहाँ पे ट्रैप्ड है, यू नो वर्क है, मैरिज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है ये सिचुएशन से निकले, खुद के लिए जो सही है वो करें और आपके लिए सही करें. एंड व्हाट डू यू वांट, यू वांट दिस पर्सन टू मेक दैट ऑफर ऑफ लव विद यू. आप चाहते हैं कि ये इंसान में हिम्मत आए, ये इंसान में करेज आए. अगर आप देखें तो ये इंसान के सामने तलवार है, दूसरा इंसान जो है इसको कह रहा है तलवार उठाओ और जो सही है वो करो. तो ये इंसान जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न एंड आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में गिव्स यू व्हाट इज़ फेयर, जो बैलेंस है, जो राइट है, जो कर्मा के हिसाब से सही है वो ये इंसान को आपसे करना चाहिए. अगर ये इंसान इतना आपसे प्यार करता है तो दुनिया से झगड़ के या दुनिया को छोड़ के जो है आपके पास आना चाहिए. हिज़ व्हाट इज़ योर एनर्जी, ये इंसान की जो है ये रिलेशनशिप को एनर्जी क्या है. अगेन यू हैव द किंग ऑफ कप्स. दिस मैन और दिस वुमेन इज़ इन लव विद यू. मैं मैन कहती हूँ बिकॉज मैं रीडिंग करते वक्त एक जेंडर को पकड़ के रीडिंग करती हूँ. ये इंसान जो है आपको एज फैमिली देखता है, आपके साथ इतनी सारी इनकी मेमोरीज हैं, इतना सारा प्यार है कि ये इंसान जो है उसको फिर से मैनिफेस्ट करना चाहता है. ये इंसान जो है खुद में एक हिम्मत जुटाना चाहता है कि मेरे में इतनी हिम्मत आए कि ये प्यार जो वो आपके लिए फील करते हैं वो प्यार इनको आपको देना है. एंड दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इन द एनर्जी ऑफ थिंकिंग हाउ कैन आई मैनिपुलेट द सिचुएशन. ये सिचुएशन को मैं कैसे मैनिपुलेट करूँ.
राइट नाउ ये इंसान जो है आपके बारे में सोचते हैं, आपने जो टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोचते हैं, अगर आप कॉलेज के फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं तो उसके बारे में भी सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि बस इनके हाथ में कुछ ऐसी शक्ति आए, कुछ ऐसी जादुई चीज़ें हो जाएं कि ये जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, दैट दिस पर्सन लव्स यू, वो आपको बताएं। लेकिन किंग ऑफ कप्स की ऐसी भी एनर्जी है कि इमोशंस इतने होते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। ये इंसान चुप रहते हैं और अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये इंसान यही हिम्मत चाहते हैं कि ये आपको जो है एक्सप्रेस कर पाएँ कि वो आपके लिए कितना फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स जो है यहाँ पे डबल आया है। ऑल राइट, हिज होप्स फॉर यू एंड दिस रिलेशनशिप, उसकी उनकी इच्छा क्या है, वो क्या होप करते हैं। होप, होप को हिंदी में क्या कहेंगे, होप, हाँ आशा, उनकी ये रिलेशनशिप को लेके आशाएं क्या हैं। ओह माय गॉड, ओके, पाइसीज हो सकते हैं ये इंसान जो है, पाइल नंबर वन। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप सब व्यूअर्स के साथ ये रेजोनेट हो। ये इंसान जो है आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। जो ये रिलेशनशिप, अगर एक छुपा हुआ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये इंसान ये भी चाहते हैं कि इनका जो गट फीलिंग है या इनकी जो इंट्यूशन है या इनकी जो इनर नॉलेज है, जो कहती है कि यू नो आप ही हैं जो इनके लिए बने हैं और जो सच्चा प्यार है आपके साथ है, उसको जो है ये एक्सेप्ट करें, उसको जो है खुद रियलाइज़ करें और आपको जो है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके आए, विच इज़ अगेन हैविंग अ ब्यूटिफुल हैप्पी फैमिली। बैलेंस चाहते हैं ये रिलेशनशिप में और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए या ये रिलेशनशिप को फ्रूएशन में लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सही है, चाहते हैं कि वो जो है ये समझ पाएँ। एंड द फाइनल आउटकम इज टू ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन होगा, यूनियन होगा, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, एक दूसरे के साथ डेट पे जा सकते हो। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, वॉट इज द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। वाओ, किंग एंड क्वीन का फिर से यहाँ पे कप आया है। आप जो है अर्थ साइन हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जिनके, या आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन है यहाँ पे, अर्थ साइन है यहाँ पे, यू बोथ वॉन्ट टू बिकम अ कपल। फाइनल आउटकम यही है कि आप दोनों जो है एक कपल हो जाएंगे और आपकी जो भी दिल की तमन्ना है, जो भी विशेज हैं, वो पूरी हो जाएंगे। टू ऑफ कप्स इज अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो आप चाहते हैं एक्चुअली ये रिलेशनशिप में आपको मिलेगा। पाइल नंबर वन, दिस इज सच अ पॉजिटिव ब्यूटिफुल रीडिंग, आई एम सो हैप्पी, आई होप कि ये आप सब लोगों के साथ रेजोनेट हो। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, I feel guilty and embarrassed of how badly I treated you. You did not deserve this. तो मैंने यही कहा है कि शायद ये इंसान ने जो है अपनी एनर्जीज आपसे वापस ले ली होंगी। इन्होंने आपसे किस ढंग से बिहेव किया है कि आपको बुरा लगा है और उसके कारण जो है अब इनको बहुत दुख हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको रीडिंग में बताया था। अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट, इटर्नल फ्लेम, दिस विल नेवर बी ओवर। आप लोगों का रिलेशनशिप डेस्टिनी है एंड ये रिलेशनशिप जो है कुछ भी हो जाए कभी ख़त्म नहीं होगा। आई एम फाइनली अवेकनिंग टू दिस लव, ये इंसान जो है फाइनली ये लव को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अवेकन हो रहे हैं, वो इंट्यूशन जो है उनमें ज़रूर आ रही है। एंड आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो वॉट टू से। जैसे मैंने कहा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान जो है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है ये इंसान चुप है। आई वॉज टू प्राउड टू एडमिट दैट आई डू केयर अबाउट यू। तो कहीं ना कहीं एडमिट आपको करने से ये कतरा रहे थे कि ये जो है आपसे इतना इन लव है। ऑल राइट, मेरे डेक से जो है टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस हैं जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं।
Let us find a balance. There is no need to rush as we are on the right path. Good things need time and patience. और यहाँ पे भी जो है slow and steady है, तो ये इंसान ऐसे हैं जो घाई गड़बड़ की एनर्जी में नहीं कुछ काम कर सकते हैं. This person wants to be sure, जो करेंगे पक्का करेंगे और final करेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है. आपको शायद इन्होंने कहा भी होगा कि we have एक यू नो हमारे पास टाइम काफ़ी है, आप impatient ना हो. All these choices and options are confusing me. Confused है कि actually कैसे करना है और आगे कैसे जाना है. Something seems missing in my love life. I feel bored and stuck. And this is again the same card, जहाँ पे इनको लगता है कि इनका जो प्यार है वो accept नहीं हो रहा है और उनको bored और stuck भी feel हो रहा है. I am working hard so that I can fulfill all your wishes. Stability की तरफ काम कर रहे हैं, खुद का business हो सकता है, पैसे कमाने में जो हैं ये इंसान जुटे होंगे. I finally have mental clarity on this offer of love. I love this new level of understanding we have. तो I think बहुत जल्दी आप लोगों का reconciliation होगा. जो understanding आप दोनों चाहते थे एक दूसरे के साथ, वो understanding जो हैं आप लोगों को ज़रूर मिलेगी. और फिर से मैजिशियन की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट. सो आई थिंक ये इंसान अगर नो कम्युनिकेशन में है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो टाइम ले रहे हैं कि चीज़ों को जो है सही करके आपकी तरफ कैसे आए. सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल नंबर वन. रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं 110% ये इंसान जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. दिस इज़ ऑल आई हैव. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि वीडियो अपलोड हुआ है. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट. एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये डेक चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या है. अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर वन देखें. सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइल नंबर वन. मन खुश हो गया उनकी रीडिंग करने के लिए. ऑल राइट, एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाइस्ट गुड फॉर पाइल नंबर टू. हम जो हैं 10 सवालों में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, खुद वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं और नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा. जो टाइम फ्रेम है नियर फ्यूचर आउटकम का वो आप जो हैं खुद डिसाइड करें. 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, और उस हिसाब से जो है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी. रीडिंग में जाने से पहले मैं आपका 2 या 3 मिनट का समय लूँगी. अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा तो यू कैन ऑलवेज फॉरवर्ड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से अ वेरी वेरी बिग थैंक यू. 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं यूट्यूब पे एंड आई एम सो हैप्पी. तहे दिल से शुक्रिया. ये एक जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अभी 1 साल हो गया है कि मैंने मेरा यूट्यूब चैनल किया है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ वीडियोज़. और डिफ़िकल्ट ईयर था, हम सब के लिए डिफ़िकल्ट ईयर था, स्पेशली मेरे लिए पर्सनल लॉस था तो इट वॉज़ इवन मोर अ चैलेंज एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर मी. बट अगर आप लोग नहीं होते, आप लोगों का एनकरेजमेंट नहीं होता, यू नो 4-5 दिन अगर मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की तो मुझे मैसेजेस आते थे, ईमेल्स आते थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि यू नो अदिति कहाँ हो आप, सब ठीक तो है. तो इसीलिए मुझे इतनी एनर्जी और एंथुजियाज़म था कि नहीं ठीक है, मैं कितनी भी बिज़ी हूँ आप लोगों के लिए ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी. ये सब मैं आपको क्यों कह रही हूँ, हम सब जो हैं बिज़ी होते हैं, हम सब के पास हमारा डे जॉब होता है जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, जहाँ से हम कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए. मेरा भी एक डे जॉब है, टैरो मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, टैरो मेरा पैशन है. और आई एम ब्लेस्ड, भगवान की बहुत
आशीर्वाद है कि मेरे रीडिंग्स लोगों को पसंद आती हैं ऑन यूट्यूब एंड इवन माय पर्सनल रीडिंग्स। सो मैं इसमें जो है जितना पॉसिबल है टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। गए 10-15 दिन हो गए हैं, चंद लोग हैं जो चैनल पे इतने ऐसे कमेंट्स डालते हैं कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, मैं ऐसे एनर्जी चाहती भी नहीं हूँ मेरे चैनल पे, बट मैं चाहती थी कि आपको जो है कुछ चीज़ें बता दूँ। यूट्यूब का कुछ फॉर्मेट होता है, कई चंद लोगों ने मेरे मुझे कमेंट्स दिए हैं कि आपके वीडियोस में इतने एड्स होते हैं, बकवास चैनल है और मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अगर आपने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया है, बिकॉज मैं ऐसी एनर्जी मेरे चैनल पर नहीं चाहती हूँ। YouTube का एक फॉर्मेट होता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो YouTube उसमें एड्स डालती हैं, वो एड से जो हैं हम बहुत मिनिमम पैसे कमाते हैं और वो सारे पैसे जो मुझे आते हैं जब चैनल मोनेटाइज होता है तो वो चीज़ें मैं मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए यूज़ करती हूँ। आपके लिए नए डेक्स बाय करती हूँ, नए डेक्स इम्पोर्ट करती हूँ, डेकोरेशन है, कैंडल है, जो भी है वो सारा जो भी थोड़ा बहुत इनकम होता है इट गोज़ बैक इनटू द चैनल। अगर आपको ये एड्स देखने में तकलीफ होती है तो यू कैन चूज़ यूट्यूब प्रीमियम, जिसमें चंद पैसे देके आप जो है यूट्यूब प्रीमियम ले जिसमें एड्स नहीं होते हैं। ये जो है मैं आपके लिए फ्री वीडियोस अपलोड करती हूँ, करेक्ट, बिकॉज मेरा और आपका एक कनेक्शन है तो सपोर्ट मी, करेक्ट। अगर आपको एड्स नहीं देखने यू कैन ऑलवेज स्किप द एड, बट आके बोलना कि मेरा चैनल बकवास है एंड एड्स बहुत होते हैं तो आपने मुझे अनसब्सक्राइब किया है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अनसब्सक्राइब मुझे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मैं ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ जिनके साथ मेरी एनर्जी मैच होती है, बिकॉज़ मुझे पता है मैं कमर्शियल टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं इसी ढंग से टैरो रीडिंग करती हूँ जैसे मैं एक पर्सनल रीडिंग करती हूँ और कार्ड जो है आपके सामने निकालती हूँ और बहुत सिंसियरली जो है आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसे ही व्यूअर्स चाहिए हैं जो मेरी एक फैमिली है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो आप यू कैन यू नो अनसब्सक्राइब, बट बिकॉज एड्स हैं उसके लिए मेरा चैनल बकवास है तो वो थोड़ी गलत बात है, दैट इज़ नॉट राइट। तो YouTube का फॉर्मेट होता है, तो जिन लोगों को पता नहीं है, अगर आपको एड्स देखना में इतना प्रॉब्लम है और मेरे नहीं, आई एम श्योर सब चैनल्स पे ऐड आते हैं, तो यू कैन गो फॉर द YouTube प्रीमियम चैनल। एनीवे थैंक यू जो आपने मेरी बात सुनी, बट एंड थैंक यू जो मेरे सपोर्टर्स हैं और जो मेरे वेल विशर्स हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यू आर लाइक फैमिली टू मी और मैं तहे दिल से बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। एंड योर सपोर्ट मीन्स एवरी थिंग टू मी, आई रियली लव ईच वन ऑफ यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऑल राइट, आर्क एंजल माइकल, माई गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाइस्ट गुड फॉर फाइल नंबर 2। ऑल राइट, आइए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनकी जो है आपके लिए और ये रिलेशनशिप के लिए पूरी सच्चाई क्या है। ठीक है, ये इंसान जो है रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप में इनका बिहेवियर का कारण क्या है, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू राइट नाउ, ये इंसान जो है आपके लिए राइट नाउ क्या, टू मैनी कार्ड्स, ये इंसान जो है राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपसे क्या छुपा रहे हैं इंसान, व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, इनके आपके लिए लेके इरादे क्या हैं, प्लान्स क्या हैं इनके आपको लेके। ओके, रिलेशनशिप में राइट नाउ ये कैसे हैं। ओके, आप जो हैं ये रिलेशनशिप में राइट नाउ कैसे बिहेव कर रहे हैं,
इनकी ये रिलेशनशिप को लेके आशाएं क्या हैं एंड व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. ये कार्ड निकालने वक्त मैं हर वक्त डरती हूँ. आई होप कि पॉजिटिव हो लेकिन जो सच्ची है बात वही निकले. ओके ठीक है. ऑल राइट नॉट अ वेरी बैड रीडिंग. लेट्स सी ये रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप राइट नाउ. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में है. एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो शायद सोसाइटी के लिए गवारा नहीं है. ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पे एज गैप जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है. एक इंसान बहुत बड़ा और एक इंसान काफ़ी छोटा हो सकता है. उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है या दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं. पोजेसिवनेस यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रही है. ये रिलेशनशिप में एक इंसान दूसरे इंसान को लेके काफ़ी पोजेसिव है और वो पोजेसिवनेस के कारण जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ऑल राइट साइंस अगर मैं बताऊँ तो अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी है. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है. स्कॉर्पियो है यहाँ पे. लियो है यहाँ पे. एंड जजमेंट का कार्ड है. तो आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में या तो एक ब्रेक आया है और ब्रेक आप लोगों ने इसीलिए लिया है कि आप दोनों सोचना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को लेके जो है आगे क्या हो. ठीक है ये इंसान जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं. टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. एक चौराहे पे हैं. करेक्ट ये इंसान समझ नहीं आ रहा है इनको कि ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं. बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज हैं. सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप जो है पाइल नंबर वन देखें. नंबर टू जो है यहाँ पे डबल है एंड देन टावर है यहाँ पे. एरीज हो सकता है. नंबर टू इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी होती है. ड्यूअलिटी की एनर्जी है. चॉइसेस की ये एनर्जी है यहाँ पे. ये सिचुएशन में एक चॉइस है और ये चॉइस एग्जैक्टली क्या चूज़ करना है आप वो चौराहे वो पॉइंट पे आप पहुँचे हैं. और क्यों पहुँचे हैं बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है जिसके कारण जो है ये टावर मोमेंट आया है. झगड़ा हुआ है. मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. कुछ बात को लेके चिड़चिड़ हुई है. किसी के घर वाले को पता लग गया है. ऐसा कुछ जो है मुझे दिखता है कि एक बम फटा है. कुछ झगड़ा हुआ है और उसके कारण जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान सोच रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है. तो राइट नाउ जो है मेंटली जो है ये इंसान सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में क्या करना है. ये इंसान जो है बिजनेसमैन हो सकते हैं. आप लोगों का काफ़ी इन एंड आउट रिलेशनशिप होगा. बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पे. फ्रेंड्स विद बेनिफिट का रिलेशनशिप हो सकता है या ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन के कारण ये रिलेशनशिप बना था. ये फिज़िकल कनेक्शन जो है उसने जो है आप लोगों को अट्रैक्ट किया था. जिनके बारे में पूछ रहे हैं ये इंसान जो है काफ़ी स्टेबल हैं. पैसे वाले हो सकते हैं. आप लोग इकट्ठा काम कर सकते हैं. बॉस हो सकते हैं या आपकी या इन्होंने जो है आपको डेफिनेटली लाइफ में कुछ हेल्प की होगी मदद की होगी. आपका सपोर्ट ज़रूर बने होंगे. स्टेबिलिटी जो है ये इंसान ने आपके लाइफ में लाई होगी. लेकिन ये इंसान काफ़ी स्टबन है और अपने मन के हिसाब से ही चलते हैं. ये व्हाट मूव्स दिस पर्सन इन दिस रिलेशनशिप इज ये इंसान को अच्छा लगता है कि आपकी मदद करें. आपके अगर प्रॉब्लम्स हो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. एंड ऑफकोर्स जो फिज़िकल अटेंशन इनको मिलता है. अगर आप लोग का फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो जो अटेंशन आपको मिलता है या इनको मिलता है आपसे या जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में उनको काफ़ी एक्साइटमेंट फील होती है. जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे. राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. आपने जो है इनसे स्टेबिलिटी मांगी होगी. आपने जो है इनसे कमिटमेंट मांगी होगी और ये इंसान जो है वो कमिटमेंट आपको देने के लिए तैयार नहीं है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ. जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे. ओके
फाइव ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप या ये इंसान जो हैं, आपने या ये इंसान ने ये रिलेशनशिप से जो है अपनी एनर्जी को निकाल दिया है, लॉस की एनर्जी है, अनहैप्पी टाइम्स हैं, इमोशनल लोनलीनेस आपको फील हो रहा है, एक दूसरे का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट जो है आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप से चले गया है। जजमेंट की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब है कि जो राइट डिसीजन था वो राइट डिसीजन राइट समय पे लेना चाहिए था, जो शायद ये इंसान नहीं ले पा रहे हैं। जो आपको चाहिए था ये रिलेशनशिप में वो ये इंसान ने आपको नहीं दिया है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, और इसीलिए जो है एक इंसान चुप हो गया है, एक इंसान ने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, सोच रहे हैं एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप में क्या करना है, और दूसरा इंसान जो है उनको कम्प्लीटली यू नो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड लगता है। उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं यू नो मुझे बस जैसे दूध में से मक्खी हटा के फेंकते हैं वैसे मुझे जो है उन्होंने फेंक दिया है। ये इंसान के राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। गिव अप नहीं कर रहे हैं, जो वो फील करते हैं राइट नाउ उसके लिए जो है वो फाइट करेंगे। ये इंसान जो है इन्होंने जो है अपनी आपको अटेंशन देना जो है वो बंद कर दिया है। ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यू नो अपना वॉन्ड लेके अपना ये लेके खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए आप जो है मुझे हर्ट नहीं कर सकते, आप जो है मुझे हार्म नहीं कर सकते। शायद किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कहा होगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये इंसान जो है राइट नाउ सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में है। उनकी फीलिंग्स में यही है कि उनको राइट नाउ खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। जो अटेंशन आप उनको दे रहे थे या जिस ढंग से आप उनसे बात कर रहे थे वो जो है उनको काफ़ी अपसेट कर गया, उससे जो है उनको थोड़ा सा डर भी लग गया और थोड़ा सा वो हर्ट भी हो गए, और उनको जो है अब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन को जो है इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सिचुएशन में मैं रहूँ या ये सिचुएशन को छोड़ के जो है मैं आगे चली जाऊँ या चला जाऊँ कुछ और करूँ। बेसिकली आप लोगों में जो है या तो कम्युनिकेशन गैप हुआ है या कोडिपेंडेंसी जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, कैन यू क्लैरिफाई द टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है आपसे क्या छुपा रहे हैं? टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान शायद आपको छुपा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं कि इनकी शादी हो गई है। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती है तो आप प्लीज़ पाइल नंबर वन देखें। बट ये इंसान जो है आपसे छुपा रहे हैं कि इनकी शादी हो गई है। ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं कि शायद आपको लेके जो है इनके घर में प्रॉब्लम्स हुई हैं, आपको लेके इनके घर में झगड़े हुए हैं, या आपसे ये छुपा रहे हैं कि मे बी इनकी जो फैमिली लाइफ है वो स्ट्रेंथ की जो एनर्जी जब होती है, योर पार्टनर कैन बी अ लियो और यू कैन बी अ लियो, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम यू दैट यू नो ही इज़ मैरिड। दिस पर्सन कैन ऑल्सो ये आपसे ये भी छुपा सकते हैं कि इनके घर में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वो प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए या सॉल्व करने के लिए उनका बहुत टाइम जा रहा है या उनकी बहुत एनर्जी जा रही है। इनके घर में जो है थोड़ा सा माइंड गेम्स, चिड़चिड़, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो आई डोंट थिंक इनका जो है इनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, एंड राइट नाउ इनकी जो एनर्जी है वो घर को लेके है, पैसों को लेके है। मे बी भाइयों भाइयों में पैसों को लेके झगड़ा है, बहनों बहनों में पैसों के लेके झगड़ा है, जॉइंट बिजनेस हो सकता है, बिजनेस को लेके झगड़ा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ज़बरदस्ती ये इंसान की जो है फैमिली कहीं और शादी करा रहे हैं। तो ये इंसान जो है घर के या फैमिली पचड़ों में बहुत फंसे हुए हैं। आपके लिए जो है इनके इरादे क्या हैं, आपके साथ इनके प्लान्स क्या हैं, आपके साथ जो हैं इनके इरादे क्या हैं?
ये इंसान जो हैं आपकी तरफ आएंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो ये इंसान आएगा। इनकी इच्छा या प्लान यही है कि ये इंसान जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप बना के रखें। ये आपके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं सबसे ठीक, चीज़ें जो हैं पहले जैसी जो हैं ठीक हो जाएं, और चाहते हैं कि आप लोगों में कम्युनिकेशन हो और ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़े। ये रिलेशनशिप में जो है इनको कैसे लगता है, हाउ डज दिस पर्सन फील, व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट दिस रिलेशनशिप, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंसान जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये इंसान जो हैं ये रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ये रिलेशनशिप में बदलें। जो खुशियां थी ये रिलेशनशिप में, फिर से ये खुशियां चाहते हैं। अगर आप इकट्ठा काम करते हैं तो चाहते हैं कि ऑफिस में आप लोगों का काम काम में तकलीफ ना हो, और जो खुशी या जो क्लैरिटी ये रिलेशनशिप में कोऑपरेट करने के लिए चाहिए है, वो खुशी और वो रिलेशनशिप वापस आए। तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि हाउ टू ब्रिंग बैक द हैप्पीनेस इन द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में कोऑपरेशन वापस कैसे लाएं। ये इंसान ये भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं ये रिलेशनशिप में बदलनी चाहिए, ताकि उससे जो है चीज़ें आप लोगों में अच्छी हो। और वो चीज़ें क्या चेंज होनी चाहिए, तो आई थिंक जो कोडिपेंडेंसी है और जो टॉक्सिक लव है वो ये रिलेशनशिप में चेंज होना चाहिए, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आप जो हैं ये रिलेशनशिप में कैसे बिहेव कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपसे जो गलती हुई थी या ये इंसान से जो गलती हुई थी, वो गलती को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक नई स्टेबिलिटी, एक नई शुरुआत जो है आप लोगों में हो। लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी है यहाँ पे, पैसों को लेके आप लोगों का एसोसिएशन ज़रूर होगा, या तो आप लोगों का इकट्ठा बिजनेस होगा, बट मनी इज़ अ लॉट प्रोमिनेंट इन दिस रिलेशनशिप। या तो आप दोनों इकट्ठा काम करते हैं, या ये आपसे आपको कुछ ऑर्डर्स देते हैं, या ऐसा कुछ आप लोगों का एसोसिएशन हो सकता है। आप जो हैं ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल के जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। आप जो हैं अगर आपसे गलती हुई है तो आप चाहते हैं कि आप इनको सॉरी बोलें, ये एनर्जी से जो है आप बाहर निकलें और एक नई शुरुआत जो है स्टेबिलिटी की तरफ आप ज़रूर लें। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं प्यार में ये इंसान से। ये होप्स क्या हैं ये इंसान के, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान की आशा यही है कि आपके साथ फिर से इंजॉय करें। अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ एन अफेयर। तो अगर आप लोग एक अफेयर में हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, तो ये इंसान जो है फिर से आपके साथ एक अफेयर में आना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। डेफिनेटली ये जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान को जो ये इंसान को पता है कि ये जो है किसी ना किसी को चीट कर रहे हैं, आपके साथ डेफिनेटली ये एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यू नो दिस पर्सन वांट्स टू एंजॉय लाइफ विद यू, लेकिन ये इंसान जो है आपको कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। या तो आपको पता नहीं था अब तक इनकी शादी हो गई है, या ये इंसान जो है आपको चीट करके जो है ये रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे, तो वो कमिटमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में वापस आए, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है ये रिलेशनशिप में। ऑल राइट, व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम। आप जो है टाइम फ्रेम डिसाइड करें, जितना छोटा टाइम फ्रेम रखें उतना बेटर है। वही, सो व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, ऑल राइट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, थोड़ा सा झगड़ा चिड़चिड़ जो है आप लोगों में थोड़ा सा बंधा रहेगा। रिकंसिलिएशन
हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है आप दोनों को जो है अपना ईगो को छोड़ना होगा और अपने इमोशंस को जो है फेस करना होगा। अगेन एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, दिस इज़ अगेन अ लस्ट बेस्ड सेक्स बेस्ड एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर जो है दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, आपके हिसाब से रिलेशनशिप को जो है रखना चाहते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड एनर्जी है यहाँ पे। एंड देन यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस जो हैं उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज अगर इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो थोड़ा सा जो है तू तू मैं चिड़चिड़ हो सकती है, आप लोगों के बारे में गॉसिप हो सकती है, लोग जो हैं आप लोगों के बारे में बात शायद कर सकेंगे, या आप लोग जो हैं दूसरे लोगों की बातों में आके खुद का रिलेशनशिप जो है खराब कर सकते हैं। तो आई थिंक द नियर फ्यूचर आउटकम जो है उसमें जो है आप लोगों का थोड़ा सा चिड़चिड़ झगड़ा चालू रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यू नो, कि आपने ऐसे बोला फिर आपने ऐसे बोला। एनर्जी टेंशन आप लोगों में काफ़ी है, आप लोग यूनियन में आना चाहते हैं, दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी विद यू, लेकिन एडवाइस आपको यही है कि फाइंड अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड योर प्रैक्टिकलिटी। तो आई थिंक आप लोग जो हैं जल्दी यूनियन में आ जाएंगे, लेकिन रिकंसिलिएशन होगा। बट ये जो है मुझे इसमें जो है ऐसा ही दिखता है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो इमीडिएटली आपको मिलना मुश्किल होगी। ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? आई नो दैट वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये इंसान को पता है कि कुछ भी हो जाए आप दोनों जो हैं इकट्ठा होंगे। आई वॉन्ट यू मोर देन यू विल एवर नो, दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स यू, आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई होप दैट वन डे आई कैन बी वॉट यू नीड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपने ये इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, ये एक्सपेक्टेशंस आपकी शायद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है ये एनर्जी में है कि ये रिलेशनशिप में हम आगे इकट्ठा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये यही आपसे कहना चाहते हैं कि ये इंसान होप करते हैं कि जो आप चाहती हैं वो आपके लिए पूरा कर सकते हैं। रीयूनियन, आई विल रिटर्न टू यू इफ़ इट्स मेंट टू बी इट विल बी। तो ये इंसान जो है प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आप लोगों के साथ रीयूनियन हो, और कहते हैं कि आई विल रिटर्न टू यू, आप की तरफ फिर से आएंगे, बिकॉज अगर चीज़ों को होना है तो वो ज़रूर होंगे। आई एम स्टिल डेस्परेटली एंड सीक्रेटली लॉन्गिंग फॉर यू, आई एम लविंग यू फ्रॉम अफार। तो अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही है, विच आई थिंक इज़ हैपनिंग विद पाइल नंबर टू, ये इंसान जो है दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई न्यू दैट माई साइलेंस इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग, बट आई रियली नीड दिस टाइम टू फेस माई शैडो, टू फेस माई शेडोज ऑन माई ओन राइट नाउ। जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान जो है इन्होंने अपनी इमोशंस को जो है यू नो डिसाइड किया है कि डिसीजन लेने के लिए जो है ये इंसान चुप हो गए हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि इंसान ने आपको मझधार में छोड़ दिया, और यही कह रहे हैं कि अगर ये चुप है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है आगे जाके ये क्या कर सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर प्यार, एज अगर कितना भी हो, लेकिन थोड़ा सा जो है इमेच्योरिटी रिलेशनशिप में दिख रही है। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन, यू मेक मी हैप्पी इवन स्काईज आर ग्रे, इट इज़ ओनली यू दैट आई वॉन्ट। ये इंसान जो है सच में आपको ही चाहता है। आई वॉन्ट टू मेक यू माइंड फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। आई वॉन्ट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज द की। डो नॉट फियर द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आई प्रोमिस यू इट इज़ फॉर द हाइस्ट गुड, ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इन मेकिंग द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। आई एम इन एन इमोशनल मेस एट द मोमेंट, फियर्स डाउट्स एंड इल्यूजन्स आर क्लाउडिंग द रिलेशनशिप। एंड यस, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेट द डॉग्स बार्क, आई विल रिमेन अनइफेक्टेड,
विद वॉट इज़ बिंग थ्रोन एट मी। तो मैंने जैसे कहा कि ये जो एनर्जी है आपकी लास्ट की, यही दिखती है कि लोगों के कारण शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन ये इंसान जो है आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपको फॉर एवर उनका बनाना चाहता है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है राइट नाउ आप दोनों के रिलेशनशिप में, उससे जो है आप डरे ना, बिकॉज इट इज़ फॉर योर हाइएस्ट गुड। ये इंसान जो है यू आर देयर सनशाइन एंड सिर्फ आपको ही वो चाहते हैं। और राइट नाउ इमोशनली ये इंसान जो है काफ़ी कंफ्यूज है, डरे हुए हैं, इसके कारण जो है उनको लगता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। आई होप दिस डिड रेजोनेट विद यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हिट द बेल आइकॉन एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट। एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।